नमस्कार, आप देख रहे हैं मुद्दा और मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। मुद्दा में आज हम बात करेंगे कोरोना वैक्सीन की। कई देश दावा कर रहे हैं कि उन्होंने कोरोना को मात देने के लिए वैक्सीन बना ली है। अमेरिका, इटली, इजराइल समेत कई देश कह चुके हैं कि उन्होंने कोरोना को मात देने के लिए वैक्सीन बना ली है, लेकिन इसका इंसान पर प्रयोग हुआ या नहीं इस बारे में कोई सूचना नहीं है। भारत की एक कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने भी कहा है कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने साझेदारी से वैक्सीन बनाने का दावा किया है, लेकिन उसका उत्पादन अब तक नहीं हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वैक्सीन को लेकर बैठक की थी। प्रधानमंत्री ने डायग्नोसिस और टेस्टिंग पर टास्क फोर्स टीम के साथ बैठक की थी। अब सवाल है कि क्या कोरोना को मात देने के लिए सच में वैक्सीन तैयार हो चुकी है? क्या बहुत जल्द कोरोना को कंट्रोल कर लिया जाएगा? कई देश जो दावे कर रहे हैं उसमें कितना दम है, इस पर आज हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले दिखाते हैं ये रिपोर्ट। पूरे विश्व में कोरोना काल बनकर लोगों की जिंदगी छीनता जा रहा है। कोरोना के कहर से पूरी दुनिया कराह रही है। कोरोना कहर बरपाता जा रहा है, लेकिन दुनिया देख रही है। कोरोना को मारने के लिए अब तक कोई वायरस नहीं बना है, लेकिन कई देशों ने दावा किया है कि वो कोरोना वायरस के लिए वैक्सीन तैयार कर रहे हैं, जानवरों पर परीक्षण कर रहे हैं, लेकिन अब तक इंसान पर इसका उपयोग किसी देश ने नहीं किया है। अब तक किसी देश ने दवाई बाजार में नहीं उतारी है। दावा तो कई देश कर रहे हैं, लेकिन अब दावे में दम नहीं दिख रहा है। दुनिया भर के अन्य देशों की तरह भारत में भी कोरोना वायरस का कहर बरप रहा है और यहाँ पर मरीजों की संख्या 50,000 तक पहुँच चुकी है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को कोरोना वैक्सीन डेवलपमेंट, ड्रग डिस्कवरी, डायग्नोसिस और टेस्टिंग पर टास्क फोर्स की टीम के साथ बैठक की और अब तक के डेवलपमेंट के बारे में जानकारी हासिल की। भारतीय वैक्सीन कंपनियां अपनी गुणवत्ता, विनिर्माण क्षमता और वैश्विक उपस्थिति के लिए जानी जाती है। प्रारंभिक चरण के वैक्सीन डेवलपमेंट रिसर्च में नवोन्मेषक के रूप में सामने आए हैं। इसी तरह भारतीय शिक्षा और स्टार्टअप भी इस क्षेत्र में आगे बढ़े हैं। भारत में कोरोना वैक्सीन डेवलपमेंट की प्रक्रिया में 30 से अधिक भारतीय वैक्सीन विकास के अलग अलग चरणों में है और कुछ ट्रायल स्तर पर है। प्रधानमंत्री मोदी ने इन्हीं सब चीजों को देखते हुए कोरोना से लड़ने के लिए चल रही तैयारियों को लेकर चर्चा की। टीके बनाने वाली कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने कहा कि ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा विकसित कोविड-19 टीके का जल्द उत्पादन शुरू हो जाएगा। कंपनी का दावा है कि अगर इसका मानव परीक्षण सफल रहा तो अक्टूबर तक यह टीका बाजार में आ जाने की उम्मीद है। पुणे स्थित कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया उन 7 वैश्विक कंपनियों में शामिल है जिनके साथ ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय ने टीके के उत्पादन के लिए साझेदारी की है। कंपनी का दावा है कि पहले 6 महीने उत्पादन की क्षमता प्रति माह 50,00,000 खुराक की रहेगी। इसके बाद हमें उत्पादन बढ़ाकर प्रति माह 1,00,00,000 खुराक कर लेने की उम्मीद है। इस बीच इजराइल के रक्षा मंत्री ने दावा किया है कि उनके देश ने कोरोना वायरस की वैक्सीन बना ली है। इजराइल के रक्षा मंत्री नफ्ताली बेनेट ने दावा किया कि देश के डिफेंस बायोलॉजिकल इंस्टीट्यूट ने कोरोना वायरस का टीका बना लिया है। उनके मुताबिक इंस्टीट्यूट ने कोरोना वायरस के एंटीबॉडी को तैयार करने में सफलता हासिल की है। रक्षा मंत्री बेनेट ने बताया कि वैक्सीन के विकास का चरण अब पूरा हो गया है और शोधकर्ता इसके पेटेंट और व्यापक पैमाने पर उत्पादन करने के लिए तैयारी कर रहे हैं। रक्षा मंत्री के मुताबिक यह एंटीबॉडी कोरोना वायरस पर हमला करती है और बीमार लोगों के शरीर पर ही कोरोना वायरस का खात्मा कर देती है। हालांकि बयान में यह नहीं बताया गया कि इस वैक्सीन का इंसानों पर ट्रायल किया गया है या नहीं। Actually, Israeli Defense Minister has come out with the fact that they have developed monoclonal antibody. I must tell you what is an antibody. Antibody is a protein which fights with the virus and it binds with the virus and makes it ineffective. So it will be a very good development in case they have really come out with monoclonal antibodies which are going to block the virus. So this is a kind of a passive immunization in a way that we inject antibodies to the patient who is suffering from corona. These protein molecules are going to stick to the virus and make it ineffective. Italy ne dawa kiya ki usne corona virus mahamari ka tika tayar kar liya hai. Italy ki sarkar ne kaha ki usne antibodies ko dhoond nikala hai jisne manav koshika mein maujood corona virus ko khatam kar diya hai. अगर यह दावा सही निकला तो दुनिया भर के लिए यह बड़ी राहत की बात होगी। दावा किया जा रहा है कि रोम की संक्रामक बीमारी से जुड़े इस्वालन जानी अस्पताल में इस टीके का परीक्षण किया गया और चूहे में एंटीबॉडीज तैयार किया गया। इसका प्रयोग फिर इंसान पर किया गया और इसने अपना असर दिखाया। रोम के लाजारो इस्वालन जानी नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर इन्फेक्शन डिजीज के शोधकर्ताओं ने कहा कि जब टीके का इस्तेमाल इंसानों पर किया गया तो देखा गया कि इसने कोशिका में मौजूद वायरस को खत्म कर दिया। अमेरिका ने भी कोरोना वायरस को मारने के लिए वैक्सीन बनाने का दावा किया है। यूएन ने कहा अगर किसी भी देश ने वैक्सीन बनाया तो उसे सभी देश शुद्ध करना चाहिए। अब सवाल यह है कि जल्द ही कोरोना वायरस को खत्म करने के लिए वैक्सीन तैयार हो जाएगा? क्या कोरोना पर जल्द काबू पा लिया जाएगा? वैक्सीन बनाने के दावे में कितना दम है? ब्यूरो रिपोर्ट।
जी हाँ, इस दावों और वादों के बीच में हकीकत क्या है, क्या इन दावों और वादों की हकीकत है, यही आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि कोरोना की वैक्सीन को लेकर जो दावे किए जा रहे हैं, क्या उनका इंसानों पर परीक्षण हुआ है। अमेरिका की बात करें, इटली की बात करें, इसराइल की बात करें और ऐसे तमाम और देशों की बात करें जो कि लगातार ये दावा कर रहे हैं कि उन्होंने कोरोना को मात देने के लिए वैक्सीन बना ली है, लेकिन इसका प्रयोग इंसानों पर हुआ या नहीं हुआ इस बारे में कोई सूचना नहीं है। हालांकि इक्का दुक्का देश ये भी कह रहे हैं कि इंसानों पर भी उन्होंने इसका प्रयोग करके देखा है, लेकिन उसका क्या नतीजा है इसके बारे में हम तफसील से चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं, उनसे आपका तारुफ करा देते हैं। डॉक्टर राहुल भार्गव जी हमारे साथ है, कैंसर विशेषज्ञ हैं, फोर्टिस अस्पताल गुड़गांव से सीधे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर डी आर राय जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, पूर्व सेक्रेटरी जनरल है IMA के, बहुत स्वागत है डॉक्टर डी आर जी आपका। साथ ही डॉक्टर अंकित कुमार सिन्हा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, रेस्पिरेटरी एक्सपर्ट है यशोदा अस्पताल के, बहुत स्वागत है आपका भी। तफसील से आज हम चर्चा करेंगे और ये भी जानेंगे कि आखिर इस दावे और वायदे के बीच की सच्चाई क्या है। सबसे पहला सवाल मेरा डॉक्टर राहुल भार्गव आपसे ही है, क्योंकि दावे तो हमेशा यही किए जा रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि जिस तरह से अभी फिलहाल वैक्सीन की बहुत ज़्यादा सख्त ज़रूरत है, पूरे विश्व में कोरोना अपने पांव पसार चुका है, वैक्सीन को लेकर जो दावे किए जा रहे हैं उन दावों में आप कितनी सच्चाई देखते हैं? देखिए, वैक्सीन के 80 से ज्यादा प्रयोग इस समय चल रही है, 80 कंट्रीज में वैक्सीन बनाने की प्रक्रिया चल रही है। वैक्सीन में क्या होता है कि वायरस का कोई भी ऐसा पदार्थ जिसे बॉडी समझ के, वायरस समझ के इम्यून सिस्टम मॉड्यूलेट करे, उसको प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाए ताकि कभी वायरस से इन्फेक्शन हो तो वो वैक्सीन उसको मार पाए, ऐसा प्रयास करने की आवश्यकता है। इसमें तीन चीजों की सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है। एक, जनरली अगर हम देखें तो एनिमल मॉडल से स्टार्ट होता है, एनिमल में दिया जाता है ताकि ये पता चल पाए कि वो सेफ है कि नहीं। सबसे पहले सेफ्टी को ध्यान रखना सबसे ज्यादा आवश्यक होता है, उससे पहले कि वो काम करेगी कि नहीं करेगी, वो सेफ है कि नहीं, ये जानना आवश्यक है। कि आपने वायरस का कोई पदार्थ लिया या उस वायरस के पदार्थ को, आरएनए को आपने लिया और शरीर में डाला, तो ऐसे बहुत सारी वैक्सीन इस समय चल रही हैं। आपने जो एनिमल मॉडल है उसको बाईपास करके अमेरिका ने, ऑक्सफोर्ड ने पिछले महीनों इंसान में ये प्रयोग किया है, ऑस्ट्रेलिया ने चिंपैंजीज में ये वायरस को डाला है, तो अभी आने वाला समय ही बता पाएगा कि वैक्सीन जो है वो सेफ है कि नहीं, दूसरी एफिकेशियस है कि नहीं। एफिकेशियस का मतलब है कि वो उतना इम्यून सिस्टम आपके माउंट कर पा रही है जिससे वो वायरस जब आपको ग्रसित करे तो आप उस प्रतिरोधक क्षमता उसको मार पाए। इसलिए आज तक अगर हम देखें कोरोना, 4 कोरोना वायरस इंसानों में पाए जाते हैं जिसमें मर्द और सर्द भी है, आज तक उनकी कोई वैक्सीन नहीं बन पाई। पर ये भी कहना है कि हम वायरस को, शायद कोरोना वायरस कोविड-19 को अच्छे से समझते हैं, वो 4 बार म्यूटेट कर चुका है, इसके 4 अलग अलग स्ट्रेन हैं। तो कौन सा पदार्थ वायरस का यूनिवर्सल होगा जिसको निकाल के इंसान में डालेंगे, वो सेफ होगा, प्रतिरोधक क्षमता को बचाएगा, आपकी बढ़ाएगा और वायरस से बचाने में आपकी मदद करेगा, ये आने वाला समय ही बताएगा। दावे बहुत सारे हैं। डॉक्टर डी आर राय जी, सवाल इस बात को लेकर भी है क्योंकि दावे तो बहुत देश कर रहे हैं कि हमने वैक्सीन को तैयार कर दिया, भारत की तरफ से भी दावा किया जा रहा है क्योंकि भारत में भी तकरीबन 30 कंपनियां जो कि दावा कर रही है कि उन्होंने वैक्सीन को तैयार कर दिया है, लेकिन किन किन कसौटियों पर ये जो दवा है वो खरी उतरनी चाहिए? अगर दवा काम भी कर रही है तो जाहिर तौर पर उसका एक क्राइटेरिया होता है कि इन तमाम क्राइटेरिया पर खरी उतरनी चाहिए, इन कसौटियों पर खरी उतरनी चाहिए, क्या कुछ ऐसा क्राइटेरिया होता है, हमें तफसील से बताइए, हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, जहां तक वैक्सीन का सवाल है, पूरा एक उसका प्रोसीजर है और आप लोगों ने शुरू से देखा होगा कि टीवी के ऊपर हर इंसान ने सुना है इसके बारे में कि वैक्सीन कोई 2-4 महीने में आने वाली चीज नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि ये इस प्रकार की बीमारी के ऊपर पहली बार बीमारी आई है और सारे पूरे वर्ल्ड को इसने अपने शिकंजे में ले लिया है, तो हर कंट्री इसके ऊपर वर्क कर रही है और हर कंट्री अपनी आप क्लेम करने लग गई है कि हम लोग उसके ऊपर वैक्सीन बना रहे हैं। अभी कल ही आप अभी दिखा रहे हैं टीवी के ऊपर कि जो डिफेंस मिनिस्टर ऑफ द इजराइल ने ये बोला कि हमने एक स्ट्रेन निकाला है BH47 जो कि एंटीबॉडीज से बन के और वो उसके वायरस को जाके न्यूट्रलाइज कर देता है, इम्यूनिटी दे देता है। तो इसी प्रकार से बुलुमवार ने भी किया, हमारे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया भी कर रहा है, हर कंट्रीज, और अमेरिका ने तो ये कह दिया है कि हमने तो ऑलरेडी बना लिया है और हम उसको यूज कर रहे हैं। अब रहा सवाल वैक्सीन को बनाने के बाद, आप ये देखिए उसकी एक सबसे पहले उसको एनिमल्स के अंदर उसको ट्राई किया जाता है,
जब एनिमल्स के अंदर रिजल्ट निकलते हैं तो फिर उसके बाद हम उसको फेज वन, फेज टू एंड फेज थ्री के अंदर मास लेवल पर आता है। जब फेज थ्री के अंदर हमको आके पता लगता है कि इसकी एफिकेसी बहुत अच्छी है और जिस जिसको दिया जाएगा पेशेंट को इम्यूनिटी होगी या उसे ठीक हो जाएगा, दोबारा उस बीमारी से नहीं होगा। अब ये अभी तक उसके पास पता नहीं है। अब रहा सवाल कोरोना वायरस का, कोरोना कोविड 19 का, इसकी स्टार्टिंग में कहा गया 3-4 स्ट्रेन है, अभी लेटेस्ट आ गया इसके 10 स्ट्रेन है। अब देखिए, जो स्ट्रेन उसका इटली में गया, जो स्ट्रेन उसका यूरोप में और अमेरिका में गया, वो स्ट्रॉन्ग ज्यादा विरुलेंट था, वनस्पत उसके की जो स्ट्रेन हमारे पास आया वो कोई सिंगल स्पाइक का है, कोई डबल स्पाइक, ट्रिपल स्पाइक का है। तो आज आज सारी साइंटिस्ट, सारी मेडिकल फ्रेटर्निटी इसके ऊपर काम कर रही है, क्योंकि बिना वैक्सीन के हमें इस बीमारी से छुटकारा नहीं मिलने वाला। जी जी, मैं डराना नहीं चाहता हूँ, अब हमको आदत ही डालनी पड़ेगी कि कोरोना के साथ हमको जीना पड़ेगा। हाँ, हम प्रार्थना करते हैं कि वायरस वैक्सीन जल्दी से जल्दी आ जाए, उसकी सारी ट्रायल्स हो जाए, और कोई भी आपको वैक्सीन की परमिशन पेटेंट नहीं देगा जब तक उसको कंफर्म नहीं कर लेंगे। तो ये अच्छी बात है, हर कंट्री अपनी अपनी बात कर रही है, और इवन कि हमारे प्राइम मिनिस्टर जी भी शायद आज 3-4 कंपनी के साथ बैठ के इस बात को करने वाले हैं कि आप लोग बायोलॉजिकल वगैरह तो क्या क्या इस चीज के बारे में हेल्प कर सकते हैं। तो ये है उसकी एक्चुअल स्टडी। ठीक है, इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर नीरज पांडे जी भी जुड़ गए हैं, जो कि KGMU लखनऊ में हैं और हमारे साथ सीधे फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत है डॉक्टर नीरज आपका, आपके पास मैं आऊंगी। उससे पहले रुक करती हूँ डॉक्टर अंकित कुमार सिन्हा का, जो कि हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। डॉक्टर अंकित, सवाल इस बात को लेकर भी है कि तमाम कसौटियों पर जो वैक्सीन है वो खरी उतरनी चाहिए, लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के विशेष प्रतिनिधि डॉक्टर डेविड नबारो ने ये कहा है कि हम पक्की तौर पर नहीं कह सकते हैं कि कोरोना वायरस की जो वैक्सीन है वो तैयार हो ही जाएगी। ऐसा हो भी सकता है कि वो नहीं भी तैयार हो, और दूसरी बात उन्होंने कही है कि अगर वो हो भी जाती है तो ये भी तय नहीं हो सकता, या ये भी पक्की तौर पर हम नहीं कह सकते कि वो 100% सुरक्षा और गुणवत्ता पर खरी उतरेगी। तो ऐसे में सवाल इस बात को लेकर है, क्या वाकई जिस बात का जिक्र अभी डॉक्टर DRG कर रहे थे, हमें अब कोरोना के साथ जीने की आदत डाल ही लेनी चाहिए? कई ढेर सारे स्ट्रेन हैं, तो जो वैक्सीन को बनाने के जो WHO के उन्होंने आपको कहा भी कि हो सकता है कि हम बना नहीं पाए, जैसे कि हमने अभी भी सर्स का और मर्स के वायरस की जो वैक्सीन नहीं बना पाए थे। तो ये देखिए, अभी तो ये भविष्य बता पाएगा कि हम बना पा रहे हैं कि नहीं बना पा रहे हैं। सारी जो देश हैं उसमें लगे हुए हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज यही है, क्योंकि वायरस जो है ये बहुत जल्दी म्यूटेट कर रहा है, और अब तक इसके लगभग 7-10 स्ट्रेन आ चुके हुए हैं। तो वो वैक्सीन जो होता है वो यूनिवर्सल होना चाहिए, तो इसका मतलब ये है कि जिस एंटीजन के खिलाफ हम बना रहे हैं वो एंटीजन सारे 10 जो वायरस के जो म्यूटेटेड हुए हैं उन सारे में होना चाहिए। और जो पहली तो चीज ये है, दूसरा चीज की हमने जो लिया वो जो उसके खिलाफ एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडीज बन रही हैं, वो हमने जब इन विट्रो से इन विवो ट्रायल किया, जब हमने मनुष्य या जानवरों में, तो क्या हमारा इम्यून का रिस्पांस जो है वो इतना अच्छा हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है, कि वो सारे वायरसेस को मार पा रहा है कि नहीं मार पा रहा है। तो ये कई ढेर सारे स्टेप्स हैं, और चूंकि सारी देश के लोग जो लगे हुए हैं, तो अभी ये बहुत जल्दी होगा कि हमने बना लिया है कहना, और ये अभी बहुत जल्दी भी होगा कहना कि हम इसको बना नहीं पाएंगे। मेरा तो यही मानना है कि इसमें रिसर्च जो चल रही है, और लेट्स होप कि जो हमें चलिए रिसर्च चल रही है और इंतजार करना चाहिए। लेकिन डॉक्टर नीरज, विज्ञान पर जो प्रयोग होते हैं वो सत्य पे आधारित होता है, और जो भी उसका रिजल्ट आता है वो हमें स्वीकार करना चाहिए। डॉक्टर राहुल, मैं आऊंगी आपके पास, लेकिन सवाल मेरा भी डॉक्टर नीरज से है। तो क्या माना जाए, जिस तरह से अभी भी ऐसी काफी बीमारियां हैं जिसकी वैक्सीन हम तैयार नहीं कर पाए हैं, दशकों से उस पर रिसर्च चल रही है, लेकिन सवाल इस बात को लेकर है क्योंकि कोरोना जो कि लगातार न सिर्फ भारत को बल्कि विश्व को अपनी चपेट में ले रहा है, लगातार कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है, तमाम और बीमारियां भी है जिसकी वैक्सीन नहीं बनी, लेकिन इस वक्त कोरोना की वैक्सीन बनना कितनी जरूरी है और कितना जरूरी है इसे बनाना? डॉक्टर नीरज,
लगता है आवाज नहीं पहुंच पा रही उन तक, चलिए उनसे संपर्क साधेंगे। लेकिन डॉक्टर राहुल आपसे ही यही सवाल है कि इस वक्त अगर हम हालात और स्थितियों को देखें तो कितना जरूरी हो जाता है इस वैक्सीन को बनाना। नेहा जी आपने बिल्कुल सही बात कही, क्योंकि कोरोना वायरस को से बचने का कोई तरीका नहीं है एक्सेप्ट सोशल डिस्टेंसिंग और हमारे को मास्क के अलावा। हम ये जानते हैं कि उसकी कोई ट्रीटमेंट भी नहीं है कि कौन कितना बीमार पड़ेगा, उसकी सीवियरिटी कितनी होगी। अभी तक हम शायद ये भी नहीं जान पाए हैं कि आप में होगा तो वो सीवियर होगा या नहीं होगा। तो इसका एक ही तरीका है, जैसे हम कहते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो प्रिवेंट करने के लिए वैक्सीन का होना ही एकमात्र तरीका है जो 60-70% लोगों को हर्ड इम्यूनिटी देगा और कोरोना वायरस से फैलने से रोकेगा। वैक्सीन इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि जो आने वाली मोर्टालिटी है, जो बूढ़े लोग हैं, हाई रिस्क पेशेंट्स हैं, कैंसर पेशेंट्स हैं, उनको बचाने का एक ही तरीका है कि वैक्सीन दिया जाए और कैंसर से संक्रमित होने से बचाया जाए। तो यही दो तरीके रहेंगे और कोई तरीका नहीं है अपने पास वैक्सीन के अलावा। ठीक है डॉक्टर नीरज, डॉक्टर नीरज हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए हैं। चलिए सर आएंगे आपके पास, डॉक्टर नीरज एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सवाल इस बात को लेकर है डॉक्टर नीरज कि क्या हमें इस वैक्सीन के लिए भी एक लंबा इंतजार करना पड़ सकता है, क्योंकि ऐसी भी अभी बहुत सारी बीमारियां हैं जिसका इलाज या जिसकी वैक्सीन हम अभी तक तैयार नहीं कर पाए हैं, HIV भी उनमें से एक है। तो क्या आपको लगता है कि अभी एक लंबा इंतजार करना पड़ सकता है कोरोना वैक्सीन के लिए? डॉक्टर नीरज सुन पा रहे हैं आप? नेहा जी इसमें जी इस वायरस और दूसरे वायरस में थोड़ा अंतर है। आपने अगर HIV की बात कही तो वो जीवन शैली के अनुसार था। ये वायरस रेस्पिरेटरी वायरस है जो आसपास जो लोग आते हैं उनमें फैलता है। अगर उनको हम कितने दिन तक अपने मॉल्स को बंद रख सकते हैं, कितने दिन तक अपने ऑफिस को बंद कर सकते हैं, कितने दिन आप अपना सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर सकते हैं, आप जानते ही हैं देश में अगर शराब के ठेके खुले तो सोशल डिस्टेंसिंग की दिशा उड़ गई। तो बचाने का तरीका, प्रिवेंशन का तरीका वैक्सीन ही है। इसीलिए 80 कंट्रीज और आने वाले दिनों में आप देखेंगे 80 से 100 होंगी, 100 से 150 होंगी। तो ये वैक्सीन एकमात्र तरीका है कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने का और उससे होने वाली मोर्टैलिटी, मृत्यु दर को रोकने का। इसके मापदंड जो होते हैं वो सबसे सिंपल 3 चीज में समझना जरूरी है। वो सेफ होनी चाहिए, वो कोई हार्म नहीं पहुंचानी चाहिए। दूसरा उसकी एफिकेसी होनी चाहिए कि जब हम वायरस का प्रोडक्ट डाले तो वो प्रतिरोधक क्षमता इतनी दे पाए ताकि वो बचा पाए आपको। और तीसरा प्रोडक्शन अपने टाइम पे हो पाए कि वो 60-70% लोगों को इस कंट्री में दे पाए। जब तक 60-70% लोग वैक्सीनेटेड नहीं होंगे तब तक हर्ड इम्यूनिटी नहीं होगी। हर्ड इम्यूनिटी नहीं होगी तो इस संक्रामक चेन को बढ़ने से नहीं रोक पाएंगे। ठीक है डॉक्टर डियाज, सवाल मेरा आपसे है क्योंकि बताया ये जा रहा है कि COVID-19 आयुर्वेद पे हम बहुत भरोसा करते हैं, आयुर्वेद के बारे में जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी करते हैं और अक्सर वक्त वक्त पर करते रहते हैं, आप भी उससे वाकिफ होंगे, लेकिन COVID-19 का आयुर्वेद से इलाज होगा और नतीजों पर ICMR ने भी मोहर लगा दी है, तो क्या माना जाए कि आयुर्वेद ने इलाज ढूंढ लिया है COVID-19 का? इसको हम इलाज के रूप में ना लेके देखिए, कोरोना वायरस के लिए कहा गया है कि जिन लोगों की इम्यूनिटी कम होगी वो ज्यादा इससे इफेक्ट होंगे। तभी हर जगह एडवाइजरी ये दी गई कि 65+ के लोग, बच्चे लोग बिल्कुल इससे दूर रहें, बाहर भी ना जाएं, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करें। अभी देखिए अभी जो सरकार ने बहुत अच्छा स्टेप लिया कि इमीडिएटली लॉकडाउन कर दिया, आज 42-43 दिन हो गए। लॉकडाउन इज नॉट द ट्रीटमेंट ऑफ दिस कोरोना वायरस, उसका ट्रीटमेंट नहीं है, लेकिन यस लॉकडाउन की वजह से स्लो डाउन हो गया है, इस चीज को हम रोक पाए हैं। और जो अभी डॉक्टर साहब कह रहे थे बिल्कुल ठीक बात है कि जब तक कि हम सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं करेंगे और बहुत मुश्किल होगा। अब दूसरी बात आयुर्वेदिक के अंदर, अच्छा स्लो डाउन के अंदर एक प्रोसीजर ये भी दिया गया कि आप घर में रह के अपनी अच्छे न्यूट्रिशन फूड लेकर आप उसकी अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाएं। अभी आयुर्वेद मिनिस्ट्री ने भी ज्यादा इम्यूनिटी बढ़ाने की तरफ जोर दिया है। अगर आपकी इम्यूनिटी अच्छी है तो आप इस बीमारी से लड़ सकते हैं। तो जहां तक सवाल है आयुर्वेद का हमारे आयुर्वेद के अंदर बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं जो आपको एक शक्ति देती हैं, बहुत इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जहां तक ट्रीटमेंट का सवाल है वो मेरे हिसाब से अभी तक कोई एक कारगर दवा नहीं है कि हम कहेंगे तुमने ये 4 गोलियां 10 गोलियां 50 गोलियां आयुर्वेदिक की खा ली या होम्योपैथी खा ली तो आप बीमारी से छुटकारा पा जाएंगे, वो बहुत मुश्किल है।
ठीक है डॉक्टर साहब, एक सवाल और मेरा यहाँ पे है कि इटली ने दावा किया है कि जो उसने वैक्सीन तैयार की है और दवाई की खोज की है उसका परीक्षण किया गया है चूहों पर, क्या इस आधार पर हम ये तय कर सकते हैं कि इंसानों पर भी वो कारगर होगी? देखिए कई चीजें पेपर में भी आ रही है, कई चीजें व्हाट्सएप के ऊपर भी इस प्रकार से वायरल हो रही है। मेरे पास, मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, हमारे जो डिग्निफाइड पैनलिस्ट बैठे हुए हैं, हमने एक दिन पढ़ा कि जो 50 पोस्टमार्टम किए गए कोरोना वायरस के पेशेंट के, उस पोस्टमार्टम के अंदर उनकी वेन्स के अंदर, कैपिलरीज के अंदर थिकनेस आ गई, वहां पे क्लोटिंग्स आ गई, तो उसके बाद उसके अंदर इन्फेक्शन भी आया। तब उन लोगों ने सोचा कि क्लोटिंग क्यों आ रही है, तो क्लोटिंग के अंदर के कई पेशेंटों को एस्पिरिन दी गई, कई पेशेंटों को एंटीकोगुलेंट हिपेरिन दी गई और वो भी रिकवर कर गए। मैं एक व्हाट्सएप के ऊपर एक वायरल देख रहा था, एक आदमी ने बड़े सीरियस पेशेंट को गुनगुने पानी के अंदर 5 गोली 500 मिलीग्राम की शेल दे के पिलाया और सवेरे उसकी हालत बहुत अच्छी हो गई। ये सब चीजें हैं, जब तक कि हम इसको साइंटिफिकली प्रूव ना करें हम उसको नहीं कहते, क्योंकि हिट एंड ट्रायल का मेथड, जब इस प्रकार से महामारी फैल जाती है तो हिट एंड ट्रायल के मेथड भी करने पड़ते हैं। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ, अब वो कहते हैं कि प्रोन पोजिशन में आप सोएंगे तो आपको जरा ठीक रहेगा, सुपाइन के अंदर नहीं आता है। तो ये सारी चीजें अब हमारे ICMR को और हमारे डॉक्टर्स को एक चीज मिल गई है इसके ऊपर और स्टडी करने की और जनता को उसके बारे में जागृत करने की। ठीक है डॉक्टर नीरज, सवाल वही है, आयुर्वेद इम्यूनिटी देती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है डॉक्टर नीरज, सवाल इस बात को लेकर है, तमाम वायरस आए सर अभी तक, तमाम वायरस गए, तमाम उसकी वैक्सीन भी तैयार हुई, लेकिन ऐसा कोरोना वायरस में सर ऐसा क्या है कि इसकी वैक्सीन के लिए पूरा विश्व लगा हुआ है लेकिन बावजूद इसके वैक्सीन तैयार नहीं हो पा रही? देखिए जैसा अभी एक और पैनलिस्ट है, मैं नाम नहीं जानता, उन्होंने कहा कि ये इसका स्वरूप बदल रहा है, इसका म्यूटेशन हो रहा है, 10 इसके जो है इटली में कुछ और इसका स्ट्रेन है, कहीं कुछ और है, कहीं कम है। तो जिस चीज के लिए आप जैसे एक चीज के लिए कोशिश करते हैं कि इसकी वैक्सीन किस चीज के लिए बन जाए, तब तक वो अपना नेचर बदल लेता है। तो लगातार इस पर रिसर्च हो रही है, वैक्सीन भविष्य में आएगी ही। आप इस तरह तरह के दावे आप सुन ही रहे हैं, जैसे US ने तो कही दिया कि हम वैक्सीन परीक्षण के लिए तैयार है, पर भविष्य है। जैसे अभी 3 शब्दों का हमको महत्व समझना होगा, जो हम लोग बात जैसे अब पुराने पैनलिस्ट भी हमारे कह रहे थे डॉक्टर साहब, कि एक है ऑब्जर्वेशन, एक है हाइपोथेसिस, एक है क्लिनिकल एविडेंस। एविडेंस बेस क्या है, अगर हम उसकी सिर्फ बातें करें तो अभी हमारे पास कोई इसका एंटीडोट नहीं है, कोई इसकी वैक्सीनेशन नहीं है, पर भविष्य में संभावना है, कई तरीके हैं जिससे इसमें आप इम्यूनिटी का रोल बहुत प्ले करता है। एक जिसकी बात अभी तक नहीं हुई है वो एक जो कई सारी कंट्रीज इस पॉलिसीज पे अब चल पड़ी है, जैसे स्वीडन है, इंग्लैंड है, हर्ड इम्यूनिटी, एक जैसे मास इम्यूनिटी जिसको आप कहते हैं, जिसमें 50% से ज्यादा अगर पब्लिक इन्फेक्ट हो जाती है या तो वो इम्यूनिटी डेवलप होने लगती है ऑटो एंटीबॉडीज के लिए, तो उसको एक इसका भविष्य मुझे ये दिखता है। और दूसरी, जब इसके लिए आप बात करते हैं कोविड 19 ने बहुत सारे चैलेंज किए हैं। अभी देखिए करेंट हाइपोथेसिस इसलिए कह रहा हूँ कि इसको स्कूल ऑफ थॉट है, यानी कई लोग ऐसा सोचते हैं, कई ऐसी ऑटोपसी के बाद पता चला कि पहले हम लोग सोचते थे रिस्पायरेटरी सिम्टम ज्यादा हो रहे हैं, यानी लंग ज्यादा इन्वॉल्व हो रहा है। अभी ऐसे केसेस देखेंगे जिसमें कार्डियक अरेस्ट जो एसिम्प्टोमेटिक, जिनमें बाकी लक्षण नहीं थे पर कार्डियक लक्षण था, तो क्या उससे जोड़ा जाएगा, इस पे तो ICMR फाइनल कमेंट करेगा। लेकिन इसका स्वरूप और इसकी हाइपोथेसिस, इसकी नो हाउ, ये सब बदल रही है, आप भविष्य में देखेंगे। अगर ये अगर समझ में आ गया तो ये इसका स्वरूप बदल रहा है, इसीलिए वैक्सीन बनाने में और ज्यादा चुनौतियां हो रही है। डॉक्टर राहुल, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? तो जो आपने चिकित्सक जी ने बोला कि हर्ड इम्यूनिटी की बात है, अगर हम लंदन की बात देखें, हर्ड इम्यूनिटी पे सबसे ज्यादा विश्वास था, कल 29,000 के आंकड़े को पार कर गया। तो आज का पेपर एक कहता है कि कोई ऐसा नहीं है कि अगर एक बार कोरोना वायरस हो गया तो वो हमेशा के लिए प्रोटेक्टिव होगा हमारे लिए। तो ये हर्ड इम्यूनिटी पे भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आता जा रहा है कि हम लोगों को इन्फेक्ट होने दें, और क्वेश्चन मार्क है कि क्या वो इम्यूनिटी प्रोटेक्टिव है कोरोना वायरस से। सबसे बड़ी बात ये है कि क्या शरीर की प्रतिरोधक क्षमता इतनी इफेक्टिव है कि वो बहुत दिनों तक कोरोना वायरस से हमें बचा पाएगी। चिकन पॉक्स होता है एक बार जीवन में, मीजल होती है एक बार, पर इन्फ्लुएंजा वायरस हर साल आपको परेशान करता है।
क्योंकि आपका वायरस तो फिर बता रहता है। तो कोरोना की जोड़ना चाहूंगा, जी जी जी, पुराना वायरस है हमारे, तो ये जानना जरूरी है कि हमारे को ये सब चीजों से बचना है। जब भी बात होती है मेडिकल साइंस में अभी अनसर्टेनिटी तो है ही, जब भी बात होगी तो पॉजिटिव बात होगी। मैं सेकंड वेव ऑफ कोरोना पे आने जा रहा हूँ। जो आपने कही, कई ऐसी जगह है जैसे आप चाइना में भी देख लीजिए तो सेकंड वेव ऑफ कोरोना है, लेकिन ये देखा जा रहा है जो अभी नई रिसर्च, फिर वही बात है कि अभी इसकी कोई क्लिनिकल एविडेंस, क्योंकि चाइना से उतने पेपर्स बाहर नहीं आ रहे हैं, रिसर्च हम लोग को पता नहीं चल पा रही है, क्योंकि उनके यहाँ सबसे पहले हुआ, उन्होंने सबसे ज्यादा उस पर प्रभावकारी कदम उठाने की कोशिश की, क्योंकि उनके यहाँ वो ज्यादा समय तक रहा उनके लिए हुए। तो अभी ये हम लोग को ये पता नहीं चल पा रहा है कि एग्जैक्टली वहाँ पे, पहले तो आज से दो महीने पहले तक सारी डिजीज शेयर होती थी, लेकिन अभी जो सेकंड वेव ऑफ कोरोना है, जैसा हमको न्यूज चैनल से पता लगता है या जो डॉक्टर्स के अपने व्याख्यानों में पता लगता है, वो उतनी घातक नहीं है। तो क्या ये माना जाए, ये माना जाए, मैं कह रहा हूँ इसके बारे में कोई ठोस वो नहीं है कि क्या जो सेकंड वेव है या जो हर्ड इम्यूनिटी के बाद या जो थोड़ी इम्यूनिटी डेवलप होने के बाद हो रही है वो उतनी वो नहीं है, उसमें इतना वो नहीं है, लेकिन कह नहीं सकते जैसे डॉक्टर बिल्कुल 100% बता दूं, ये कहा नहीं जा सकता, ये सब स्पेकुलेशन है। अभी इसके बारे में ना कोई, यही एक सत्य है कि ना कोई एंटीडोट है, ना कोई वैक्सीन है, ना इसके बारे में ज्यादा पता है। ये स्वरूप बदल रहा है, हर दिन एक नई दवाई आती है जिसके बारे में हम लोग बात करते हैं और उससे रिसर्च शुरू हो जाता है। जी जी जी, इसका भविष्य कोई ऐसी बीमारी आज तक नहीं, बिल्कुल रिसर्च शुरू हो जाता है, लेकिन रिसर्च करने के साथ ही इसकी वैक्सीन तैयार होना यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि लगातार कोरोना अपने पांव पसार रहा है। हालांकि डॉक्टर ये भी कह रहे हैं कि इसके साथ जीने की आदत डाल देनी चाहिए, न सिर्फ डॉक्टर बल्कि राजनीतिक पार्टियों के नेता भी कह रहे हैं। तो ऐसे में सवाल ये भी है ना कि कब तक इसके साथ जिया जाएगा और क्या ये सालों साल हमारे साथ चलने वाली है। कोरोना को मात देने के लिए वैक्सीन बना ली है, अमेरिका, इटली, इसराइल समेत कई देश ये कह चुके हैं कि उन्होंने कोरोना को मात देने के लिए वैक्सीन बना ली है, लेकिन इसका इंसान पर प्रयोग हुआ या नहीं इस बारे में स्पष्टता नहीं है। इस पर हम लगातार तफसील से चर्चा कर रहे हैं कि वैक्सीन बनाना इस वक्त कितना जरूरी है और वैक्सीन किन किन कसौटियों पर खरी उतरनी चाहिए, वैक्सीन बनाने में क्या कुछ चुनौतियां आ रही है, इस पर भी हम लगातार बात कर रहे हैं। लेकिन पहला सवाल मेरा यहाँ पर अब डॉक्टर डी आर राय जी आपसे है, क्योंकि जाहिर तौर पे वैक्सीन की आज हम बात कर रहे हैं तो बेहतर तरीके से आप समझा पाएंगे, बता पाएंगे, क्योंकि टीकों की भी बात हो रही है। तकरीबन 6 टीकों का इंसानों पर परीक्षण किया गया है, हालांकि बताया जा रहा है कि ये परीक्षण 3 स्तर पर होता है। कौन कौन से वो 3 स्तर है जिनका, जो टीकों का परीक्षण जिनका होता है? देखिए, मैं अभी हम लोग जो है ना, एज ए मेडिकल साइंस के अंदर हमेशा एविडेंस बेस्ड क्लिनिकल ट्रायल्स होती हैं। अभी जो आप जो कह रहे हैं कि वैक्सीन के बिना, अब देखिए वुहान के अंदर सबसे पहले ये कोरोना वायरस हुआ, उसके बाद साउथ कोरिया में हुआ, साउथ कोरिया ने अभी तक वहां पे कंटेन करके सबको इरेडिकेट कर दिया, वहां पे उन्होंने कर दिया, उसके बाद सिंगापुर वालों ने उसको कर दिया, अब ऑस्ट्रेलिया ने कर दिया, न्यूजीलैंड ने कर दिया, वैक्सीन तो उनके पास भी नहीं है, लेकिन जो एक लाइफ स्टाइल थी उसको लड़ने के लिए उससे अब आ कुछ मेडिसिन के बारे में रोज पेपर के अंदर जो वायरस होती है, जो हमारे सर हमारी डिस्कशन में भी आती है कि वो ट्रायल के ऊपर हम दे रहे हैं, लेकिन जब तक कुछ ट्रायल के बाद हमारे पास उसके डाटा इकट्ठे नहीं होंगे तब उससे के लिए कहना बहुत मुश्किल है कि साहब ये दवाई आप दे दीजिए। अगर एक दवाई कन्फर्म हो गई होती तो आज की तारीख में किसी को घबराने की कोई जरूरत नहीं थी। अभी डॉक्टर साहब कह रहे थे कि हमारे, मैं भी आज ही थोड़ी देर मॉर्निंग के अंदर मैं एक न्यूज आइटम देख रहा था, वो कह रहे थे कि जो पेशेंट कोरोना वायरस से ठीक हो गए हैं उनको भी दोबारा कोरोना वायरस हो सकता है, और हो सकता है वो ज्यादा डेंजरस हो, उनको इम्यूनिटी नहीं मिली है कईयों को। तो ये सारी चीजें हाइपोथेटिकली आ रही है जब तक की हमारे पास क्लिनिकल एविडेंस बेस्ड। लेकिन सर ऐसे में एक प्लाज्मा थेरेपी की भी बात की जा रही है, सवाल इस बात को लेकर है कि जब जो कोरोना संक्रमित व्यक्ति है वो ठीक हो जाता है, फिर कोरोना उसको होने के चांसेस उतने ही बने रहते हैं, ऐसे में वो उससे पहले अगर प्लाज्मा देता है जैसे कि डॉक्टर्स की तरफ से भी कहा जा रहा है, तो क्या उससे उस शख्स को किसी तरह का नुकसान तो नहीं होगा? देखिए नुकसान तो नहीं होगा, लेकिन आपने देखा होगा कि आईसीएमआर गवर्नमेंट खुद आकर टीवी के ऊपर आके कहा गया कि हम कोरोना वायरस के अंदर प्लाज्मा थेरेपी को इस वक्त एविडेंस बेस्ड नहीं है, रिकमेंड नहीं करते। हाँ, ट्रायल के ऊपर कई स्टेट्स भी कर रही हैं, कई कंट्रीज भी कर रही हैं और अच्छे रिजल्ट भी मिल रहे हैं, क्योंकि आज पूरा विश्व जो है इस बीमारी के ग्रिप में आ गया और हर कोई आदमी इस वक्त अपनी अपनी ट्रायल करके इसके बाद पता लग पाएगा कि हमने प्लाज्मा थेरेपी से कितना हमको फायदा मिला है, कितना फायदा नहीं मिला है। लेकिन अगर हम कहें कि हमारे पास पूरा उसका डाटा है
तो आज की तारीख जब गवर्नमेंट ने आईसीएमआर ने आकर ये कह दिया कि साहब हम इसको अभी रिफंड नहीं कर रहे हैं, अगर किसी को रिएक्शन हो गया तब आप क्या करेंगे? तो ये जो आप कह रही है कि हमारे अब तो इसीलिए मैंने थोड़ी देर पहले ये कहा था, अब हमको ये जब तक की वैक्सीन नहीं आता कोरोना के साथ रहने की आदत डालनी पड़ेगी। अगर सवाल मेरा ये है कि जी जो आपने प्लाज्मा थेरेपी की बात करी और डॉक्टर राय ने कहा प्लाज्मा थेरेपी शॉर्ट लिव्ड है, जो आदमी वेंटिलेटर पे है उसको अगले 4 दिन से बचाना है तो प्लाज्मा थेरेपी प्री फॉर्म एंटीबॉडीज मदद करती है उसको। सर मेरा तो सवाल ये है ना कि ठीक है आप उस नाजुक हालत में उस मरीज को बचाते हैं प्लाज्मा थेरेपी के जरिए, लेकिन जिससे वो प्लाज्मा लिया जाता है, सर सुन लीजिए, जिससे वो प्लाज्मा लिया जाता है क्या नहीं लगता कि उस व्यक्ति को संक्रमित दोबारा होने का खतरा बढ़ जाता है? ये सवाल है मेरा। वो व्यक्ति जिससे प्लाज्मा लिया जाता है वो कितना सुरक्षित है? आपके शरीर में एंटीबॉडीज करोड़ों के हिसाब से बनती है। आप ये समझिए जब आप प्लाज्मा 300 ml प्लाज्मा ले रहे हैं तो समुद्र में से एक बाल्टी पानी निकाल रहे हैं, तो जो दे रहा है उसको फर्क नहीं पड़ता, बट ये आपको सपोर्ट कर देता है अगले 4 दिन के लिए प्री फॉर्म। सर शरीर में एंटीबॉडीज कम होती है तभी तो कोरोना जैसे तमाम वायरस आपको अपनी चपेट में लेते हैं। नेहा जी फिर से समझिए, जब एंटीबॉडीज है तो वो करोड़ों के हिसाब से बनती है। हम प्लाज्मा लेते हैं 200 ml प्लाज्मा, शरीर में 5 लीटर प्लाज्मा होता है, तो अगर हम जो लेते हैं 200 ml प्लाज्मा लेते हैं, तो अगर आप 200 ml प्लाज्मा लेते हैं तो वो समुद्र में से एक बाल्टी निकालने के काबिल है बस, तो जो देता है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सिर्फ आपको सपोर्ट करता है उस 200 ml जाके जो पेशेंट संक्रमित है और वेंटिलेटर पे है उसको वो जीवन दायिनी बूटी की तरह काम करता है, टूटते हुए को तिनके का सहारा होता है और उससे वो बाहर निकल जाता है, देता है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये बात, अभी कोरोना वायरस का प्रारूप बदलता जा रहा है, मैं एक बार एक वायरस से संक्रमित हुआ, एक वायरस के स्ट्रेन से बॉडी ने एंटीबॉडी बना ली, पर दूसरा स्ट्रेन आया तो मुझे नहीं पता कि वो बॉडी बनाएगी कि नहीं बनाएगी, मैं दूसरे स्ट्रेन से हो जाऊंगा, चौथा स्ट्रेन आ गया आत्मा। ये तो हर साल इन्फ्लुएंजा वैक्सीन क्यों लगवानी पड़ती, इन्फ्लुएंजा वैक्सीन के 80 स्ट्रेन होते हैं शरीर में, 80 स्ट्रेन, तो मैं एक स्ट्रेन को देता हूँ, अगले साल किसी और स्ट्रेन से इन्फेक्शन होता है, फिर किसी और स्ट्रेन से होता है, इसीलिए ये एक इवॉल्विंग नॉलेज है, इवॉल्विंग फील्ड है जो हमको ये बता रही है कि अभी इससे रिसर्च की आवश्यकता है। कोरोना वायरस से 4 महीने पुराना वायरस है, कल भी हमने आपके चैनल पे कहा था स्टार्ट लिविंग विद कोरोना, हमें कोरोना के साथ जीना पड़ेगा, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइजर ठीक है, जीवन का चरित्र और कैरेक्टर बनेगा। ठीक है डॉक्टर नीरज, तकरीबन 6 टीकों का इंसानों पर परीक्षण किया गया, हालांकि बताया जा रहा है कि 3 स्तर के ये परीक्षण होते हैं, तो ऐसे में टीकों पर कितना विश्वास किया जाता है और ये कितने कारगर साबित हो सकते हैं डॉक्टर नीरज? आपकी आवाज साफ नहीं है, क्या क्वेश्चन रिपीट करेंगे? हेलो जी जी, सवाल मेरा ये है कि टीकों का इंसानों पर परीक्षण हो रहा है, कोरोना वायरस को मात देने के लिए जहां वैक्सीन तैयार करने की बात की जा रही है वहीं टीकों का भी परीक्षण हो रहा है? अभी मैं बिल्कुल परीक्षण हो रहा है, अभी कुछ भी प्रमाणित नहीं है, जैसा डॉक्टर साहब ने कहा बिल्कुल सही कहा कि अभी इसके साथ जीने की आदत डालनी पड़ेगी, भविष्य क्या है भविष्य पे निर्भर है, अभी इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। मैंने जैसे कहा ना कि अभी ये एविडेंस बेस्ड नहीं बना है, इसका कोई एविडेंस नहीं है कि मैं आज आपसे ये कह सकूं कि नहीं ये भविष्य में बहुत अच्छा काम कुछ करने वाला है, इसके लिए हमको वैक्सीन का वेट करना पड़ेगा और शरीर की जो क्षमता है लड़ने की उस पर आपको भरोसा करना पड़ेगा और जिंदगी में आधारभूत बदलाव लाना पड़ेगा, जैसे आपने कहा कि सैनिटाइज करना, सोशल डिस्टेंसिंग, ये अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में लाने, अभी यही एक सबसे अच्छा इसका तरीका है। नेहा जी जी जी, हाँ कह रहा हूँ कि अभी तक जितनी भी, जैसे आपने सुना भी है, जितनी भी चीजें चल रही हैं, प्लाज्मा थेरेपी हो गई हो या एसिक्वेस हो गया और जो भी चीजें, वो सारी चीजें जो हैं केस बेस्ड होती है, केस बेस्ड में, और एक हम जो कहते हैं एविडेंस बेस्ड निकालने के लिए हमें एक रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल करना पड़ता है, दोनों में फर्क होता है। अगर किसी चीज को भी मास लेवल पे लेके आना है तो आपके पास एक प्रॉपर रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल होना चाहिए जहां पे रोगियों की संख्या कम से कम हजारों में हो, क्योंकि आप जो है पूरे विश्व में इसको लेना चाहते हैं, तो ये नहीं है कि हमने 5 केसेस में दिखा दिया कि ये ठीक हो रहा है तो उस 5 केसेस के बेसिस के आधार पे हम ये सारी चीजें जो है पूरे विश्व में ला सकते हैं, इसीलिए तब तक हम उसको मास्क बेसिस पे नहीं ला सकते हैं। ये सारी चीजें जो जैसे डॉक्टर डायर ने कहा कि
हमने देखा है कि थ्रोम्बोसिस हो रही है, डेफिनेटली जो अभी जो मालूम चला है कि जो कोरोना से मौत हो रही है उसमें मायोकार्डाइटिस का एक बहुत बड़ा हाथ है। दूसरा जो है माइक्रोथ्रोम्बस बोलते हैं कि आपके जो फेफड़ों की जो नलियां हैं उसके अंदर में खून के थक्के जम जाते हैं, और जो तीसरा जो हम बोलते हैं एक्यूट लंग इंजरी और ARDS जो है जिसकी उस पर नाम पड़ा हुआ है साथ जो कहते हैं, ये डिफरेंट डिफरेंट मालूम चल रहा है। पहले मालूम था कि केवल ये ARDS से होता है, लेकिन इटली में और कुछ केसेस वुहान में जब ये जांच किया गया तो मालूम चला कि नहीं, शरीर के अंदर में थ्रोम्बस भी जम जा रहा है, और ये माइक्रोथ्रोम्बस जो देखा जा रहा है वो मोर देन 50% केसेस में है। इसके साथ ही जब मालूम चला कि ये मायोकार्डाइटिस भी करा रहा है, तो ये सारी चीजें मालूम चल रही है, और उसके हिसाब से जो है उसके ट्रीटमेंट की तैयारियां भी चल रही हैं। जो मेरी सोचते हैं बुखार खांसी होगा, कई बार हम लोग सोचते हैं बुखार खांसी सर दर्द के फ्लू लाइक सिम्टम से शुरू होगा, पर कई बार उल्टा हो रहा है। 20% केसेस में एब्रॉड आप देखें तो शुरू पता चल रहा है कि इसके सिम्टम से शुरू हो रहा है, अंगूठे की नसों में खून जम जाना, उसके बाद चिकन पॉक्स जैसे लिजन हो जाना, ये कई बार इसका स्वरूप समझना कई और 80% जैसे आप अभी जो एक करेंट हाइपोथेसिस है इसके हिसाब से 68% जो है अननोटिस यानी एसिम्प्टोमेटिक चले जाते हैं। नहीं वही वही चीज है, वही आप जो पहले बता रहे थे कि स्वरूप बदल रहा है, लेकिन डॉक्टर राहुल सवाल इस बात को लेकर है कि स्वरूप तो बदल रहा है लेकिन ऐसे में जब कोरोना वायरस लगातार तेजी से बढ़ रहा है तो इसको विदाउट वैक्सीन, बिना वैक्सीन के इसे कैसे कंट्रोल में लाया जा सकता है? भले ही आप ये कह रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का आप पालन करिए, भले ही आप ये कह रहे हैं कि आप मास्क लगा के चलिए, भले ही आप ये कह रहे हैं कि जरूरत ना हो तो घर से बाहर निकलिए सर, लेकिन कब तक ये सब का होता रहेगा? अच्छा सवाल पूछा नेहा जी, एक मैथमेटिक्स समझिए। ऑक्सफोर्ड में जो 22 तारीख को वैक्सीन ट्रायल स्टार्ट हुई उसमें 800 लोगों को 400 लोगों को एक प्रकार की वैक्सीन दी जाएगी और 400 को प्लेसिबो दिया जाएगा, और इन 400 लोगों को 3 से 6 महीने तक ऑब्जर्व किया जाएगा कि प्रतिरोधक क्षमता बढ़ी कि नहीं बढ़ी। तो आप सोचिए 6 महीने से तो दूर, 6 महीने से पहले तो आ नहीं सकती वैक्सीन, 800 लोगों का देना और उनको फॉलो करना, तो पहली चीज ये समझना जरूरी है। दूसरा जो आपने कहा क्या वुहान में कोरोना वायरस से जीत नहीं हुई, क्या गोवा में नहीं हुई, क्या केरला में नहीं हुई, क्या इटली में नहीं हुई, आप ये हमारे को ये जानना जरूरी है कि हमारे को अपने आप में बदलाव लाना जरूरी है। कोरोना वायरस कहीं नहीं जा रहा, हमारे को अपने शरीर को अपने अपने कैरेक्टर को बदलना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे आधारभूत जो हमारी चीजें थी वो नहीं बदलेंगे तो कोरोना वायरस नहीं जाएगा। बहुत सारी कंट्रीज जो जीत गई वो क्यों जीत गई, इसीलिए जीत गई क्योंकि उन्होंने अपने सोशल स्ट्रक्चर में चेंजेस लाए। अब इटली की बात माने, 28 फरवरी को इटली के प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि कोरोना वायरस से कुछ नहीं होगा, देखिए 28,000 मृत्यु हो गई। अल्टीमेटली क्या करना पड़ा, लोम्बार्डी को लॉकडाउन करना पड़ा और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी पड़ी। ट्रंप साहब जी ने यही कहा था, लॉकडाउन करने के बाद सोशल डिस्टेंसिंग मैंडेटरी हो गई। जर्मनी में मास्क पहनना और सोशल डिस्टेंसिंग मैंडेटरी है। तो आप देश में अगर हमारे को कोरोना वायरस से जितने दिन तक कोरोना वायरस की तीव्रता कम नहीं होती, वैक्सीन नहीं आती, भले वो 6 महीने हो या साल भर हो, हमें इसके साथ जीने की आदत, ठीक है, जीने की आदत डाल लेनी चाहिए। डॉक्टर डी आर, ठीक है, जब तक आप में दुश्मन को मारने की चिंता ना हो तब तक उससे बचिए, यही इसका एक लौटा मैसेज। ठीक है डॉक्टर डी आर, सवाल मेरा ये भी है क्योंकि आदत तो इसकी डाल लेनी चाहिए कि आप कोरोना के साथ जी रहे हैं, लेकिन सर आपको बाहर भी निकलना होगा, लोग बाहर भी जाएंगे, कामकाज भी करेंगे, और ऐसे में भले ही एहतियात बरते लेकिन बावजूद इसके अगर आप कोरोना संक्रमित हो जाते हैं तो जाहिर तौर पे वो दिक्कतें पैदा करता है। सवाल ये भी है कि किस तरह से और कैसे अब इससे बचा जाए, क्योंकि आपको बाहर निकलना ही होगा, लॉकडाउन में छूट दे दी गई है। छूट देने का मतलब यही है कि अब ज्यादा से ज्यादा लोग बाहर निकलेंगे, अपने कामकाज पर जाएंगे, तो ऐसे में और किस तरह से बचे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए, और क्या कुछ किया जाए? देखिए अगर सोशल डिस्टेंसिंग का तो यही करना पड़ेगा आपको, घर बैठे भी अगर आपका ग्रोसरी वाला आ रहा है, आपका जो सब्जी का वेंडर है, डॉक्टर नीरज मैं आऊंगी आपके पास, डॉक्टर डीआर जी से सवाल है मेरा, मुझे से पूछा नहीं आप, ठीक है डॉक्टर डीआर। सोशल डिस्टेंसिंग एक सबसे बड़ा चीज थी जिसकी वजह से ये कंटेनमेंट हो पाया। मिलन के अंदर देखो, ट्रंप साहब ने सबसे पहले ये कहा था कि ये जो चाइना वुहान वायरस है, चाइना का वायरस है, उससे क्या हुआ कि चाइनीज लोगों को बड़ी परेशानी होने लगी, तो जो चेयरमैन जो वहां के म्युनिसिपल जहां के कॉर्पोरेशन के वहां पे जो चीफ थे मिलन वाले, उसने कहा कि एक नारा दिया हग द चाइनीज, तो जितने भी वहां से वुहान से चाइना इटली में आए सब तो पे खड़े होकर एक दूसरे को जप्पी पा रहे हैं, मिल रहे हैं,
बैनर्स लगा के खड़े हुए, सोशल डिस्टेंसिंग नाम की चीज नहीं रही। यही हाल मैनहट्टन के अंदर, टाइम्स स्क्वायर पर, न्यूयॉर्क के अंदर किया गया है। उन्होंने कहा कि हमें लॉकडाउन की जरूरत नहीं है, हमें आइसोलेशन की जरूरत नहीं है। तो सबसे ज्यादा उनको मुश्किलें आज उठानी पड़ी। आज अगर हमारी सरकार ने इस प्रकार से 24 फरवरी के बाद एकदम मार्च में आते ही उसका लॉकडाउन और आइसोलेशन नहीं किया होता तो आज हमारे देश की हालत भी बहुत खराब होती। आप कह रहे हैं लिबर्टी की, ये थर्ड लॉकडाउन के 2 दिन के अंदर देखिए थोड़ा सा रिलैक्सेशन दिया है। हमारी कंट्री ने क्या उसका एग्जाम्पल दिया है। शराब की दुकानों पर इतनी इतनी लंबी लाइन है, बिल्कुल इसी पे मैं आ रही थी, खत्म हो गई। इसी सवाल पे मैं आ रही थी। डॉक्टर नीरज से मेरा सवाल है। डॉक्टर नीरज, एक तरफ WHO ये कहता है कि मई के मिड में जो कोरोना वायरस है वो अपने चरम पर होगा, यानी कि कोरोना वायरस संक्रमित मरीजों की संख्या काफी ज्यादा होगी, लेकिन ऐसे में ढील दे दी जाती है और उस ढील का फायदा लोग इस तरह उठाते हैं कि दुकानों पर कतारें नहीं लगती है, भीड़ लगती है, टूट पड़ते हैं लोग। सोशल डिस्टेंसिंग का जो पालन करने की बात लगातार सरकार कर रही है उसकी धज्जियां उड़ा दी जाती है, और ऐसे में जाहिर तौर पे जहां एक तरफ हम ढील देने की बात करते हैं दूसरी तरफ ये जो धज्जियां उड़ाई जाती है, क्या वाकई लगता है कि वक्त आ गया था कि हमें सोशल हमें लॉकडाउन में ढील देनी चाहिए, जबकि WHO का ये कहना है कि मिड तक चरम पे होगा? और आप देख ही रहे हैं कि केसेस बढ़ रही हैं सारे और लगभग हर दिन ज्यादा बढ़ रहे हैं। डॉक्टर नीरज, मैक्सिमम ग्राफ है वो नहीं पहुंचा है, तो यानी अभी केसेस बढ़ने की संभावना पूरी है। लेकिन सरकार के पास भी तो एक सुविधा है कि आपको लॉकडाउन में रखे, जैसे आपने एक सवाल पूछा कब तक, तो उस कब तक का जवाब किसी के पास नहीं है। तो एक जो सबकी धारणा ये बन रही है कि नॉर्मल लाइफ जीते हुए इसके साथ लड़ते हुए जीवन को आगे बढ़ाया जाए। ये आपने सही कहा कि अगर लॉकडाउन आप 25 मई, तो उसके बाद पता चला कि आपका ग्राफ बढ़ रहा है, अगली डेट अगर 25 जून आती है तो क्या आपका लॉकडाउन इसको हमेशा के लिए नहीं लगाया जा सकता। तो अभी तक तो जो हमारे देश ने किया है बहुत अच्छा ही किया है कि इतने केसेस नंबर, लेकिन सर जो अब हो रहा है हिसाब से बहुत, लेकिन डॉक्टर नीरज जो अब हो रहा है क्या नहीं लग रहा है कि हम भी उस राह पे चल रहे हैं? देखिए मेरी बात, जहाँ पे अमेरिका है, इटली है, जहाँ पर वुहान चला था। देखिए मेरी बात, जब भी इसके लिए कभी आप, हम सबको ये सोचना पड़ेगा कब तक आप लॉकडाउन में रहना पसंद करेंगे, क्योंकि हमारी इकोनॉमी भी इससे सफर कर रही है। अब आप लोग, कई लोग ये कहते हैं कि भाई जान है तो जान है, लेकिन कई सारी चीजें जो है इसको हिंदू बना के एक निर्णय लिया जाता है। अभी एक अच्छा होता है कि अभी जो लॉकडाउन सिर्फ सरकार को करने की जरूरत नहीं है, हम आप हमारी जनता ये काफी ज्यादा जागरूक है और इसको कोरोना के बारे में आज के दिन नहीं पता है। क्या हम अपनी तरफ से ये नहीं सोच सकते कि हमको ऐसा करना चाहिए कि हम इतनी कतारें ना लगाएं जैसा आपने कहा, एक सोशल डिस्टेंस रेगुलेशन, उसको भी तो बचाना पड़ेगा। सरकार घर आके आपको नहीं बचाएगी, ये मैसेज सबको देना पड़ेगा। और देर दवे आप चलिए 15 दिन के लिए और बंद कर दीजिए इसको, तो अभी जो अनुमान है कई हाइपोथेसिस है कि सितंबर तक कई बार रूप बदल के एक बार बढ़ेगा घटेगा, फिर आप बढ़ता घटता रहेगा, तो क्या हर बार लॉकडाउन इसका जवाब है? नहीं, इसका हर बार जवाब ये है कि आपको समझना पड़ेगा, आपको स्वतः भी लॉकडाउन होना पड़ेगा अपने एरिया के हिसाब से। मानिए आपके एरिया में बहुत ज्यादा अचानक केसेस बढ़ गए, तो अब समय आ गया कि आप अपने आप को उस दिन लॉकडाउन करिए। ठीक है डॉक्टर राहुल, मैं आऊंगी आपके पास। इस वक्त मेरा जो सवाल है वो अंकित जी से है। डॉक्टर अंकित, किस तरह से देखिए, क्योंकि और कब तक इंतजार करना पड़ेगा? जब ये चीन से इसकी शुरुआत हुई थी तब से लेकर अब तक एक लंबा वक्त बीत चुका है, कई महीने बीत चुके हैं, हालांकि पूरा विश्व अब इसकी वैक्सीन बनाने की तैयारियों में जुटा हुआ है, लेकिन आखिर कब तक? देखिए नेहा जी, अभी तो दावे बहुत ढेर सारे किए जा रहे हैं जो, लेकिन प्रॉपर लोग हैं उनकी अगर बात सुने, अगर हम जो हैं जैसे कि एंथनी फौची हैं और बाकी लोगों ने भी जो बताया है, जो विशेषज्ञ हैं इस मामले में, वो यही कह रहे हैं कि कम से कम भी नहीं होगा तो अगले साल मार्च से पहले तो वैक्सीन जो है बाजार में नहीं, मार्च से जुलाई के बीच में ही ये बाजार में आ सकती है, उससे पहले ही ये बाजार में नहीं आ सकती है। तो जो एक्सपर्ट लोग हैं उनकी बात सुनना ही बेटर रहेगा। मैं ट्रंप कह रहा हूँ तो मैं शायद उनकी बात ना सुने, उन्होंने तो एस्टिक्वेस को इसका इलाज भी बता दिया था, तो मैं उनकी बात ना सुनूंगा। जो एक्सपर्ट हैं, जो डॉक्टर्स हैं, जिस पे काम कर रहे हैं, वो जो कहते हैं उनको सुनना ज्यादा जरूरी है। और उनके हिसाब से जो मार्च से, अगले साल मार्च से जुलाई के बीच में वो बता रहे हैं कि ये वैक्सीन आने वाली हो सकती है। ठीक है डॉक्टर राहुल, सवाल ये भी है कि अभी वैक्सीन तो देखिए प्रॉपर तरीके से तैयार नहीं हुई है, शोध लगातार जारी है, रिसर्च लगातार जारी है, लेकिन हम वैकल्पिक तौर पर ऐसी कौन कौन सी दवाइयां मरीजों को दे रहे हैं जिससे जिसका जो रिजल्ट है वो बहुत बेहतर आ रहा है? क्योंकि अगर भारत में देखें तो ये रेशो बहुत अच्छा है जो कि रिकवर हो रहे हैं मरीज। देखिए
जो स्वस्थ हो रहे हैं मरीज, ये वापस अपने घर लौट रहे हैं, ऐसी कौन कौन सी दवाइयां उन्हें वैकल्पिक तौर पर दी जा रही है जिससे कि वो ठीक हो रहे हैं? तो नेहा जी, बहुत सारी दवाइयों को शोध चल रहा है। अगर हम इस लॉन्ग जर्नी को देखें, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन, क्लोरोक्विन, एजिथ्रोमाइसिन, ये दवाइयों का कोई फायदा नहीं मिला। अभी एक रेमडेसिविर करके दवाई आई है जो कि आईवी के माध्यम से देते हैं, उन लोगों को देते हैं जो काफी सिक होते हैं, उनमें ये पाया गया कि ये अच्छी दवाई है। बट अगर आप वर्ल्ड लिटरेचर देखें, उसमें रैंडमाइज ट्रायल में उसका कोई बहुत ज्यादा फायदा नहीं दिखाया गया। सरकारें जरूर कह रही है, अमेरिका जरूर कह रहा है कि रेमडेसिविर अच्छी दवाई है, पर वो इतनी अच्छी दवाई नहीं पाई गई है बाकी विश्व में। तीसरी चीज, टॉसिलिज़ुमैब एक दवाई है क्योंकि वायरस लंग को अटैक करता है। टॉसिलिज़ुमैब एक दवाई है जो सबसे ज्यादा खरी उतरी है लंग इंजरी को बचाने के लिए। तो देखिए, वायरस से इंफेक्ट हुए आठवें दिन आप ठीक ठाक हो गए तो बाहर निकल गए चौथवें दिन, पर अगर आप खराब होते गए, आप इंटीबेट हो गए, मतलब आपको ट्यूब चलने की नौबत आ गई या लंग आपके खराब होने लगे, तो आपको टॉसिलिज़ुमैब नामक एक इंजेक्शन दिया जाता है 4 mg/kg बॉडी वेट पे। एक इंजेक्शन से बहुत मिराकुलस रिजल्ट आए हैं। क्यों? क्योंकि वायरस साइटोकाइन प्रेरित करता है, वायरस शरीर के इम्यून सिस्टम को प्रेरित करता है कि मारो मारो, तो जब वो वायरस को मारता है तो वो लंग्स को भी मारता है। तीसरी चीज जो सक्सेस, चौथी चीज जो सक्सेसफुल हुई है, वो हुई है प्लाज्मा थेरेपी, वो भी उन पेशेंट में जो काफी सिक थे या जो वेंटिलेटर पे जाने वाले थे या वेंटिलेटर पे थे। तो ये चार चीजें, जो दो चीजें टॉसिलिज़ुमैब और प्लाज्मा थेरेपी, सबसे ज्यादा कारगर हुई है अभी तक मोर्टैलिटी को बचाने के लिए। बट ये लंबा पेशेंट का डेटा नहीं है, 1000-2000 पेशेंट का डेटा नहीं है, ये 30-40-50 पेशेंट का डेटा है। आगे किस प्रकार से काम करेगा ये देखने लायक बात है। ठीक है डॉक्टर डिया, सवाल मेरा आपसे है क्योंकि भारत में 30 से ज्यादा वैक्सीन अभी विकास के विभिन्न चरणों में है, ट्रायल के लिए तैयार है। सवाल इस बात को लेकर है कि कितनी उम्मीद की जाए। देखिए, तमाम देश दावे कर रहे हैं लेकिन हम भारत की बात करेंगे, हम बात अपने देश की करेंगे। सवाल इस बात का है कि 30 से ज्यादा वैक्सीन ट्रायल के लिए तैयार है, क्या आपको लगता है कितनी उम्मीद की जानी चाहिए इनसे? देखिए, जीवन ही उम्मीद के ऊपर टिका हुआ है। अगर आज सारे लोग शोध ना कर रहे होते, इतनी ज्यादा उसके अंदर कंसंट्रेट ना कर रहे होते, तो आज की तारीख में उनके पास वैक्सीन ना होता। उसकी ट्रायल करने की जरूरत पड़ रही है, इवन कि प्रधानमंत्री जी खुद उसके अंदर इंटरेस्ट लेके पूरी फार्मा कंपनी के साथ मीटिंग कर रहे हैं कि भाई मेरे को जल्दी से जल्दी वैक्सीन का जवाब चाहिए। जब तक वैक्सीन नहीं आएगा हमारी ये बीमारी खत्म नहीं हो सकती। अब रहा, आपने एक बीच में बड़ा अच्छा सवाल किया था, मैं आपको बताऊं कि जीने की बात जो है रही है, मैं आज से 10 साल पहले फर्स्ट टाइम जापान में टोक्यो में एक मीटिंग अटेंड करने गया था। आइए, जब मैंने वहां देखा तो 95% लोग मास्क लगा के घूमते थे वहां पर। तो मुझे मजबूर होकर उनसे पूछना पड़ा, भाई यहाँ पर कोई बीमारी फैली हुई है? सर नहीं सर, इट्स अ नॉर्मल लाइफ, हम लोग बिना मास्क के बाहर निकलते ही नहीं है। जो मेरे अंदर कीटाणु है मैं दूसरों को नहीं देता और दूसरे के कीटाणु है मेरे पास ना है। वी आर यूजिंग मास्क, हम बिना मास्क के घर से निकलते ही नहीं है। तो ये देखिए, मैं आज 10 साल पहले जब जापान में कुछ भी नहीं था, उस वक्त कोई बीमारी नहीं थी, हम इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस अटेंड करने गया, वहां देख के हैरान हो गया। तो हमको आज दूसरी बार आपने एक क्वेश्चन बड़ा अच्छा पुट अप किया कि कौन सी मेडिसिन, राहुल जी बता रहे थे कि हाइड्रोक्लोरोक्विन भी दी गई, एजिथ्रोमाइसिन भी दी गई, अपने ऑस्ट्रेलिया के अंदर एवरमेक्सिन ने बड़े अच्छे रिजल्ट दिए हैं। ये सारी चीजें हमारे लिए हाइपोथेटिकल है आज, लेकिन जब तक कि एट रैंडम या एक के डाटा बाहर नहीं निकलेगा, कोई भी रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, कोई रेस्पॉन्सिबल मेडिकल अथॉरिटीज इसको रिकमेंड नहीं कर पा रही है। ठीक है, प्लाज्मा थेरेपी बहुत फायदेमंद है, मैं नहीं कहता कि नहीं है, लेकिन उसके बावजूद सरकार ने आके कहा यही उसका आंसर नहीं है। अब ये कई जगह, बड़ी जगह हमारे पास ऐसी भी न्यूज आई है कि वेंटिलेटर के ऊपर तो जाने की जरूरत नहीं, अगर हाई प्रेशर के अंदर आप ऑक्सीजन देते रहे तो आपको अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं, वो भी कर रहे हैं। तो आप जो कह रही है बिल्कुल ठीक बात है, हमें इंतजार करना पड़ेगा वैक्सीन के ऊपर, और उससे पहले हमें अपने आप को डिसिप्लिन करना पड़ेगा। अगर डिसिप्लिन नहीं कर पाएंगे तो परेशान रहेंगे, घर से आपको निकलना भी पड़ेगा। घर से निकलने के लिए आप सिस्टम बना लीजिए, हफ्ते में एक बार जाइए और आके जो भी आपके काम है तो खत्म करके घर पे रहिए। बुजुर्गों को घर से मत निकलने दीजिए, बाहर अपने आप को सेपरेट रखिए। सर्वेंटों का घर में आना जाना बंद करना पड़ेगा, पता नहीं सर्वेंट कहाँ कहाँ से होके आता है। तो ये जो लाइफ स्टाइल है जी, जो बदलाव आया है उसको आगे तक निरंतर रखने की जरूरत है। क्या आप भी इस बात से सहमत है डॉक्टर नीरज? जी जी बिल्कुल। कि अगर आपने अच्छी आदतें सीखी है,
हाथ धोना बार बार सीखा है, सैनिटाइजर का प्रयोग करना सीखा है, घर से अगर बाहर निकलते हैं मास्क लगाना सीखा है, अगर आप लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखना अगर आपने सीख लिया है तो इसको आगे कंटिन्यू रखना बहुत जरूरी है, इसको आगे नियंत्रण रखिए। बिल्कुल इस समय सबसे जरूरी यही है। और इतना ही अभी अगर आप सही मायने में अभी आप पूरे डिबेट का निचोड़ देखें, यही इसकी एक जो सबसे खास इलाज है वो यही है कि आप इससे बचे रहें। एक बार होने के बाद तो बहुत सारे प्रयोग है जो हो रहे हैं, बहुत सारी रिसर्चेस है जो हो रही है, वैक्सीन की बात हम कर रहे हैं कि भविष्य में आएगी, कई देश इसके लिए प्रयत्नशील है, लेकिन आज की डेट में जो हम आप और जनता मिलकर ये जो कर सकती है, ये जो सारी आपने सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ मास्क लगाना, घर में जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि जितने आपके सबॉर्डिनेट्स हैं उनका आना जाना कम करना, और अपने आप को कई बार ऐसा क्या है कि जनरली आप देखते हैं कि कहीं आप बाहर गए, बाहर से आए, हाथ मुंह धोआ और घर में आ गए, आप कपड़े बदलिए, घर बाहर से आए हैं तो आप नहाइए परिवार के लोगों से मिलने के लिए, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आपको रोजमर्रे की जिंदगी में बदलाव लाना पड़ेगा। ठीक है डॉक्टर अंकित, एक आखिरी सवाल मेरा आपसे है कि जागरूकता इसके अंदर कितनी कारगर साबित हो सकती है? मैं बड़े देशों की बात नहीं कर रही, मैं बड़े महानगरों की बात नहीं कर रही, बड़े प्रदेशों की बात नहीं कर रही, मैं उन छोटे गांव, देहात, जिले, कस्बे, उन शहर, उन क्षेत्रों की बात कर रही हूँ जहाँ पे भले ही बहुत पढ़े लिखे लोग ना हो लेकिन वहां पर भी कोरोना ने अपनी दस्तक दे दी है, जागरूकता कितनी कारगर साबित हो सकती है? बहुत जरूरी है नेहा जी इसमें जागरूकता फैलाना, और मेरे ख्याल से जो मीडिया इस वक्त ये कार्य कर रही है बहुत ही अच्छा कार्य है, क्योंकि सारी जगह पे हर आदमी नहीं पहुंच सकता है, डॉक्टर जो है वो सब जगह नहीं पहुंच पा भी रहे हैं, लेकिन आप लोग की पहुंच जो है एक एक गांव, एक एक घर के अंदर में है, तो आप जिस माध्यम से ये कोरोना के बारे में जागरूकता फैला रहे हैं और आप लोग जिस तरह से ये कह रहे हैं कि बार बार की सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखिए, आप चाहे शहर में हो, चाहे आप गाँव में हो, चाहे आप कहीं पर भी हो, ये सोशल डिस्टेंसिंग का नॉर्म बना के रखें। सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखना बहुत जरूरी है। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो मुद्दा में आज हमने बात की कोरोना की वैक्सीन की, कोरोना वैक्सीन बनाना अभी कितनी बड़ी चुनौती शोधकर्ताओं के सामने है, लगातार डॉक्टर्स बने हुए हैं, लगातार लगे हुए हैं कि किसी भी तरह से कोरोना की वैक्सीन बनाई जाए, हालांकि भारत में भी 30 जो वैक्सीन है वो अभी परीक्षण के लिए तैयार है, हालांकि उनका अभी टेस्ट नहीं हुआ है और उम्मीदें बहुत है कि बहुत जल्द ही इसकी वैक्सीन आ जाएगी। इसी के साथ मुद्दा में इतना ही, नमस्कार।